मैं बेनती कर रहा सी कि साध संगत की है, उहदा की लाभ है, होर थोड़िया जिहा विचारां आपां इकट्ठियां करके इस चीज़ नूं समझण दा यतन करां। साध संगत की है कि गुरमुखां दी संगत तो बिना बंदा धर्म के मार्ग से कामयाब हो सकता है। मैं मोटी जी उदाहरण देंगा, सियाने कहिंदे ने बंदे ने चोरी सीखनी होवे ना, चोर की संगत तो बिना चोरी करनी नहीं आती। आ जड़े चोर आम फिरते ना, रोज कुट खाते फिरते हैं, कभी किसी की टूटी खोल लेंगे, कभी किसी की तार तोड़ लेंगे, कभी किसी की दुकान तो रेवड़ियाँ चुक लेंगे, तो चपेड़ा खाते रहेंगे। ये क्यों खाते हैं? क्योंकि इन्हें इन्होंने किसी वड्डे चोर तो चोरी करने की जाच नहीं सीखी होती। मैं केवल उदाहरण दे रहा, इहदा मतलब ये ना समझना भी चोरी करने की जाच सीखनी चाहिए। सिर्फ मैं ये आप जी के चरणों में बेनती करनी चाहना, चोरी एक कुकर्म है, एक पाप है, तो पाप जे बंदा सीधा करन लग पवे, किसी की संगत ना करे, जिन्हें पाप किया, जिन्हें चोरी की है, वह चोरी रोज करता है और चोरी में उन्हें कोई सफलता भी नहीं मिलती, मार भी रोज खाता है, तो प्राप्ति भी कोई नहीं होंगी। सच जाणो, धर्म की दुनिया में भी इस तरह मनुख उस नलायक चोर वांगू कल्ला टकरा मारता फिरदा है, पल्ले उहदे कख नहीं पैंदा, सारी उम्र बदनाम भी हुंदा है, ते कामयाब भी नहीं हुंदा। जे एक चोर नूं चोरी सीखण वास्ते चोर की संगत करनी पैंदी है, जे किसी नूं डॉक्टर बनण वास्ते किसी डॉक्टर के अगे खलो के सीखना पैंदा है, जे साध संगत जी किसी बच्ची नूं रसोई विच प्रशादा पकाउण वास्ते अपनी माता दे अगे खलो के सीखना पैंदा है, जां तुसी किसे भी खिते विच किसे ड्राइविंग दी गल कर लो, जे किसे ने गड्डी चलाउणी है ते तां भी किसे दे नाल बह के सीखना पैंदा है। ते फिर धर्म दी दुनिया विच जे तां धर्म कमाउणा है, फिर ते गुरसिखां दी सोबत ते संगत विच सीखना पएगा, ते जे आपां टाइम पास करना है फिर आपां करी जांदे हां।